Good morning, my dear student. Today in the e-class, we are going to continue our previous chapter, Turk's Paint, Chapter 3. In this chapter, we'll see some features of magic tool. The first is rainbow effect. Rainbow effect. The rainbow and fade magic tools, a rainbow of colors can be drawn with easy and faded letters. तो rainbow effect क्या होता है कि जैसे आप rainbow में देखते हो कि different types of colors, seven colors होते हैं जो Vipgyor कहे जाते हैं, तो जब हम एक पेंट ब्रश आपको यहाँ पे रेनबो इफेक्ट में ऐसा मिलेगा जिसको जब आप ड्राइंग एरिया कैनवास पे आप चलाओगे तो वो आपका रेनबो के सारे कलर्स के साथ चलेगा। और इसमें आपके एक रियल रेनबो ऑप्शन ब्रश भी मैजिक टूल होता है, एक ब्रश टूल होता है जो आपको एग्जैक्ट जब आप उसको चलाते हो तो वो बिल्कुल रेनबो फॉर्म करता है। तो ये आपका रेनबो इफेक्ट हो गया जो विद द डिफरेंट कलर्स, और इसमें आपका इफेक्ट लाइट से डार्क भी होता है, शेड इफेक्ट होता है, रेनबो एंड फेड मैजिक टूल है। ओके, नाउ सी मोज़ेक इफेक्ट। तो मोज़ेक इफेक्ट में आपका ये आप देख सकते हो कि आपको छोटी छोटी कलर्स जैसे पॉइंट्स में दिख रहे हैं, ब्रेक पीसेस दिख रही हैं कलर्स की, है ना। तो मोज़ेक क्या होता है कि आपने देखा होगा कि घरों में भी लोग मोज़ेक कराते हैं फर्श पे या ऐसा होता है। तो आपका क्या होता है कि जैसे नॉर्मल एक प्लेन हमारी ड्राइंग होती है, नॉर्मल आप पेंट करते हो, तो जब आप मोज़ेक इफेक्ट देते हो तो आपके जो कलर्स होते हैं वो पीसेस में टूटे हुए दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि छोटे छोटे पीसेस में दिख रहे हैं, ब्रेक दिख रहे हैं, है ना। तो यूज़ टू अप्लाई अ पैटर्न ऑफ मेनी स्मॉल कलर्ड पीस ऑफ स्टोन ऑन द कैनवास। तो ऐसा लग रहा है कि कलर्स को तोड़ तोड़ करके उस पर गिराया गया है, तो पीसेस ऑफ कलर्स जैसा ये दिख रहा है। तो ये आपका होता है मोज़ेक इफेक्ट। नेक्स्ट विल सी कैलिडोस्कोप इफेक्ट। तो कैलिडोस्कोप क्या होता है, यूज टू क्रिएट फ्री हैंड पैटर्न। तो पहला तो ये एक आपका पेंट ब्रश जैसा होता है जो फ्री हैंड पैटर्न क्रिएट करता है। इट ड्रॉज फ्रॉम द फोर डायरेक्शंस। और ये क्या करता है, जब उससे आप के जो ड्राइंग कैनवास होता है उसको ऑटोमेटिकली फोर पार्ट्स में वो अपने आप डिवाइड कर देता है। और जब आप किसी एक तरफ ड्राइंग बनाना शुरू करते हो तो ये फोर टाइप को तीन और तरफ बनता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो चार ड्राइंग बिल्कुल सेम बनी। अगर हम इस सेंटर से इसको पार्ट में डिवाइड करें तो ये आपका चार, देखिए चार बना हुआ है, सेम ड्राइंग है, मतलब वन पार्ट ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट और एक राइट। तो हम बना सिर्फ एक साइड रहे हैं लेकिन वो तीन और फॉर्म कर रहा है, तो चार एक साथ वो ड्राइंग बना रहा है। तो ये आपका कहलाता है कैलिडोस्कोप इफेक्ट, कि आप जब एक साइड करते हो तो वो तीन साइड और ड्राइंग्स बनाता है। तो ये क्या लेकर चलता है, चार डायरेक्शन में चलता है। किसी एक डायरेक्शन में आप ड्राइंग करोगे तो वो चारों डायरेक्शंस को कवर करेगा। नेक्स्ट है आपका एम्बोज इफेक्ट। तो एम्बोज इफेक्ट में आपको दिख रहा होगा कि मैंने आधा एम्बोज इफेक्ट यहाँ पे दिया है। तो इसमें आप देख सकते हो, इट गिव्स अ रेज्ड इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस दैट यू हैव ड्रॉन। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमने ड्राइंग पेंटिंग, देखिए नॉर्मल पेंटिंग हमारी ऊपर पार्ट में दिख रही है लेकिन जहाँ तक मैंने एम्बोज इफेक्ट दिया है वो ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग आपकी मतलब बेस से ऊपर को उठी हुई है। लाइक आपने कोई चीज़ रखी हुई हो, आपने पेंटिंग नहीं की, आपने ड्राइंग नहीं की है, कलर नहीं किया, आपने कोई चीज़ वहाँ एज अ क्राफ्ट आपने वहाँ पे कोई चीज़ कट करके रखी हुई है। हियर यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ योर ड्राइंग, ड्राइंग के बॉटम में आप देखिए जो जहाँ पे आपको थोड़ा शेडेड एरिया दिख रहा है वो थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे 3D हो, 2D ड्राइंग हो, मीन्स उठी हुई है वो। तो ये आपका कहलाता है एम्बोज इफेक्ट। तो नाउ विल रीकैप। तो टक्स पेंट गिव अस एन ऑप्शन टू ड्रॉ ब्यूटिफुल पैटर्न्स यूजिंग द पेंट टूल। तो टक्स पेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ऐसा ड्राइंग बनाया गया है, एक ऐसा ड्रॉ करने के लिए पैटर्न दिया गया है जो पेंट टूल का ही एक आपका MS ड्राइंग का एक फॉर्म है जिसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स होते हैं। तो हैज़ ब्रश इज़ अ यूनिक सब टूल दैट प्रोड्यूस अ हैज़ी अपेयरेंस। तो हैज़ ब्रश टूल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जो एक बहुत हैज़ी अपेयरेंस देता है। स्टैम्प टूल इज़ यूज टू एड रेडीमेड इमेजेस एज अ स्टैम्प। तो स्टैम्प टूल आपका रेडीमेड इमेजेस को एज अ स्टैम्प ऐड करता है। द मैजिक टूल यूज टू अप्लाई अ पैटर्न ऑफ मेनी स्मॉल कलर्ड पीस ऑफ स्टोन्स ऑन द कैनवास। तो द मोज़ेक टूल, तो मोज़ेक टूल आपको मैंने बताया कि ऐसे पैटर्न को अप्लाई करता है किसी भी ड्राइंग पे, ऐसा लगता है कि जैसे कलर की पीसेस उस पर एज अ स्टोन की कलर्ड स्टोन की पीसेस पड़ी हों।
कैलिडोस्कोप इज़ अ टूल इज यूज टू क्रिएट फ्री हैंड पैटर्न, और ये फ्री हैंड पैटर्न तो क्रिएट करता ही है लेकिन ये फोर डायरेक्शन में बनाता है कोई ड्राइंग। एम्बोस टूल गिव्स अ रेज्ड इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस दैट यू हैव ड्रॉन। तो एम्बोस क्या करता है, आपके ड्राइंग को रेज्ड इफेक्ट देता है, जैसे लगता है कि आपने जो कैनवास पर ड्राइंग बनाई है वो ड्राइंग उस पर है नहीं, वो उठी हुई है और वो 2D टाइप में आपको 3D टाइप में दिखाई देती है। नाउ विल सी सम एक्सरसाइजेस। तो यू कैन, आई नो यू ऑल हैव लिसन वॉच दिस वीडियो ऑलरेडी, आपने उस ऑडियो को पहले से ही वीडियो को देखा हुआ है, और अब जब ये वाली वीडियो देखोगे तो आई नो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द एक्सरसाइजेज एंड यू कैन डू। आई नो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। सो दीज आर द सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट यू विल डू बाई योर सेल्फ एंड देन यू विल डू फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राॅइंग। तो फ्री हैंड ड्राॅइंग का आपका कौन हेल्प करता है बनाने के लिए, तो पेंट। एंड वी कैन क्रिएट अ मिरर इमेज टू ऑफ अ स्टैम्प यूजिंग द, तो इसमें आप मिरर बटन आपका है। डैश टूल गिव अस द रेज्ड इफेक्ट, तो आपका एम्बोज है। और मोज़ेक आपका टेक्स पेंट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन 129 लैंग्वेजेस। द डैश टूल इज़ यूज टू अप्लाई पैटर्न ऑफ मेनी स्मॉल कलर्ड पीसेस ऑफ स्टोन्स। तो आपका ये हो जाएगा मोज़ेक। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। देन आफ्टर यू विल डू मैच द फॉलोइंग। आप बहुत अच्छे से अपना टक्स पेंट का आपने बुक ले लिया है, उसमें देखोगे और ऐसे देखोगे, फिर आप इसको यू विल ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ। इसमें आपको दिया हुआ है कैलिडोस्कोप इफेक्ट, देन मोज़ेक मैजिक टूल, पेंट टूल, एम्बोस टूल, लाइन टूल। तो आपको इसको मैच कराना है। और आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, जो भी मैंने आपको पढ़ाया या बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ये नहीं था। एंड देन आफ्टर यू विल ट्राई टू गिव ऑल द आंसर्स। तो आपने लिस्ट एनी टू फीचर्स ऑफ टक्स पेंट ऑलरेडी कर रखा हुआ है। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ मोज़ेक इफेक्ट, तो आपको मोज़ेक इफेक्ट का यूज़ बताना है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ मैजिक टूल, आप ये भी कर चुके हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेनबो एंड रियल रेनबो इफेक्ट। हाउ इज़ अ स्टैम्प टूल यूजफुल। तो दीज आर द एक्सरसाइजेज दैट यू विल डू बाई योर सेल्फ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, दिस वीडियो ऑल्सो एंड द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। यू विल वॉच बोथ द वीडियो, देन यू विल बी एबल टू गिव ऑल द आंसर्स। सो आई होप कि यू ऑल आर एंजॉइंग वीडियोज एंड द होमवर्क दैट यू आर गेटिंग थ्रू द वेबसाइट एंड यूट्यूब। So, have a nice day, children. Bye-bye. Good luck.